नमस्ते संतोष जी, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप हमारे पास आई थी कुछ 3.5 महीने पहले, कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे है ना बाल बहुत गिर रहे थे, ओके, हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा था और उससे मैं बहुत नर्वस हो रही थी कि क्यों ज्यादा से ज्यादा झड़ रहे हैं। तो उसका मैंने इलाज भी किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे बाल ज्यादा ही झड़ने लगे। लेकिन उसके बाद आप मिले तो आपने कहा कि भाई मैं इसका उपाय बता देता हूँ। आप एलोपैथिक सारी टेबलेट्स कुछ भी नहीं यूज करें। तो मैं इससे पहले थायराइड की टेबलेट लेती थी और ये थोड़ा है ना ब्लड प्रेशर का, तो मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी तो मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ। लेकिन घर में सब मेंबर्स मुझे कह रहे थे कि नहीं ये मत करो, एकदम नहीं छोड़ो। आपसे ये पूछना था, अभी एक तो थायराइड की प्रॉब्लम थी, आपको बीपी की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब आप हमारे पास आई तो आपके मेनली काफी सारे बाल झड़ गए थे, ऑलमोस्ट बाल झड़ रहे, काफी लॉस हो गया था हेयर लॉस लेफ्ट साइड से और हर जगह। आपको और भी कोई प्रॉब्लम थी? कुछ खुजली हो रही थी, रैशेज हो रहे थे? मेरे है ना रैशेज हो रहे थे पूरे बॉडी पे या एक ही एक दो जगह? बालों में खुजली होती थी तो मैं डैंड्रफ समझती थी, लेकिन डैंड्रफ के बजाय वो फंगल इन्फेक्शन था। तो लेयर्स पे लेयर्स जम रही थी लेकिन मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे थे। उस समय मेरे रैशेज भी हो रहे थे, अच्छा, जिधर भी खाज करती थी तो वहीं रैशेज हो जाते थे और उससे और ज़्यादा फैल रहा था। तो लेकिन आपने जो बताया मैंने उसको फॉलो किया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा फर्क पड़ा तो मैं उसको करती ही चली गई। लेकिन बाद में है ना मेरे रैशेज भी अब 3.5 महीने बाद मेरे ये बाल भी ग्रो किए हैं थोड़े, और बाकी इन्फेक्शन था मेरा, कानों से भी सुनाई नहीं पड़ रहा था और रैशेज भी हो रहे थे, लेकिन अब है ना थोड़ा मुझे सुनने भी लगा है और बाल भी ग्रो कर रहे हैं, तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो रैशेज भी मेरे कम हो गए हैं, ख़त्म ही हो गए, थोड़ा सा है ना उसके जैसे रह जाते हैं इम्प्रेशन, ओके, वो रह गए। तो बाल आई कैन सी ऑलमोस्ट कि वापस आ गए हैं, बट ग्रो हो रहे हैं वापस, आपके रैशेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और थायराइड और बीपी की दवाई ख़त्म हो गई है आपने, वो तो day 1 पे स्टॉप कर दिया था, प्लस ईयरिंग आपकी सुनने की जो क्षमता थी पहले, जो ईयर्स ब्लॉक्ड थे वो खुल गए हैं ज़्यादातर, खुल गए हैं लेकिन थोड़ा सा अभी है कोई बात नहीं। लेकिन ये है काफ़ी कुछ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कुछ नहीं सुनना ही पड़ रहा है, तो उससे थोड़ी इरिटेशन होती थी, बार बार कानों पे हाथ जाता था, उसे खोलती थी बंद करती थी, लेकिन अंदर से थोड़ा, लेकिन अब है ना थोड़ा अब सुनाई पड़ती है। अभी भी हमारी जो बातें हो रही हैं काफ़ी नॉर्मल लेवल पे हो रही हैं और आपको अच्छा अच्छी तरह से सुनाई दे रही है और आप अच्छा जवाब भी दे रही हैं, सो आई गेस देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच संतोष जी एंड विशिंग यू। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा कर दिया है और इसका है ना, वी आर ग्रेटफुल कि यू टुक द लीप ऑफ फेथ और आपको भरोसा, आपने भरोसा किया हम पे एंड इस सिस्टम पे कि आप बेटर हो गई हैं। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन द जर्नी फॉरवर्ड टू गेटिंग गुड हेल्थ। थैंक यू।